आज हम जानेंगे दोस्तों डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑन किया जाता है। पहला आप अपना मोबाइल के सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग ऑन किए, सेटिंग में ढूंढिए अपना अबाउट सेक्शन। हर मोबाइल का अलग अलग सेक्शन होता है, जैसे आगे या पीछे भी हो सकता है। जैसे ये ऊपर में भी लिखा हो सकता है या फिर नीचे। हर मोबाइल का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, उसके हिसाब से अबाउट सेक्शन को खोजिए। पहला किधर आपके मोबाइल के अबाउट सेक्शन, ये आ गया मेरा मोबाइल का अबाउट सेक्शन, ये वाला। इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको सैमसंग के मोबाइल में कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखता है। अबाउट सेक्शन में अलग अलग कंपनी का कुछ और भी हो सकता है, तो सैमसंग का मोबाइल जिनका भी होगा उनमें आ जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के में। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा आपको। उसमें आपको जाना है बिल्ड नंबर, ये दिख रहा है ना बिल्ड नंबर, इसमें 7 बार आपको टैप करना है, 7 बार। ये देखो मैंने ऑलरेडी करके रखा है डेवलपर ऑप्शन ऑन, तो मेरा में कुछ इस टाइप से दिखा रहा है, नॉनली डेवलपर मोड हैज ऑलरेडी बीन इनेबल्ड। तो आपका में ऐसा नहीं दिखाएगा, 7 बार जो टैप करेंगे आपका में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ओके दोस्तों।